आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। काशी में पीएम मोदी की मां का पिंडदान, छोटे भाई पंकज ने दशाश्वमेध घाट पर किया अनुष्ठान, 30 सितंबर को हुआ था निधन। सोनभद्र में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर निश्चित हो गया है कि बीजेपी की जीत निश्चित है। सपा ने दो कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, पार्टी में रहते हुए निकाय चुनाव में अन्य पार्टियों की कर रहे थे दोनों कार्यकर्ता मदद। मथुरा में कम मतदान से परेशान हुआ राजनीतिक दल, वार्ड स्तर पर कर रहे आकलन, कम मतदान ने राजनीतिक पंडितों का गड़बड़ाया गणित। भाजपा ने 13 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, बलिया में बगावत कर अपने प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कोप्पा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा दी गई है। आज भारत एक बड़ी ताकत बन रहा है, जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी, कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है। अयोध्या और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का आपसी संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और मैं आप सबको आमंत्रण देने के लिए भी आया हूं। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उसमें मैं अपने बजरंग बली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। उस निकाय चुनाव के प्रचार की कमान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक संभाले हुए हैं। दूसरे चरण को लेकर प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं। जहां बृजेश पाठक इटावा, कन्नौज और औरैया में जनसभा करेंगे, इसके बाद भड़थना इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद वो गुरुसरायगंज कन्नौज में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही नुमाइश ग्राउंड औरैया में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। निकाय चुनाव के लिए डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। जहां दूसरे चरण को लेकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य झिंझक कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे। वो आपको बता दें कि साकेत नगर कानपुर नगर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं कल्याणपुर में आयोजित जनसभा को भी केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार पार्टियों की तरफ से जारी रखा गया है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक प्रचार प्रसार में लगे हुए अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी नंदनी, आप बता रहे की कानपुर देहात संबोधित करने के बाद अगर देखा जाए कहीं ना कहीं 2 बजे लगभग कानपुर के मंदाकिनी होटल पहुंचेंगे और उसके बाद कानपुर के कल्याणपुर में जो है जल शक्ति मंत्री सरोज मिश्रा जो सत्येंद्र सिंह जो है वो भी मौके पर रहेंगे, प्रचार प्रसार के लिए रहेंगे। और देखा जाए कहीं ना कहीं जो कानपुर जो नगर है वो 28 सालों से बीजेपी के कर रहा है और बीजेपी को ज्यादा मेहनत कानपुर में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो जो 10 विधानसभा में जो है वो 7 विधानसभा जो है भाजपा के विधायक हैं। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं?
जी संध्या वगैरह की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर के जितनी रैलियां हैं उन सब रैलियों को लेकर के जो कानपुर कमिश्नर बीपी तोगदंड जो है उन्होंने जो पीएससी बल और लोकल जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से तैयार कर रखा है और सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो किसी प्रकार की अभी तक कोई चूक हुई नहीं है और न आगे होने की पूरी उम्मीद है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। बुलंद शहर में आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंद शहर नुमाइश ग्राउंड के निकुंज हॉल में पहुंचेंगे। इसी के साथ भूपेंद्र चौधरी 3 जिलों हापुड़ बुलंदशहर और अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की सभी संचालन समिति बूथ अध्यक्ष बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए मार्गदर्शन देंगे। भूपेंद्र चौधरी आज नगर निकाय चुनाव को लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार में बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बुलंदशहर के दौरे पर हैं। वो हापुड़ बुलंदशहर और अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भी बिल्कुल बीजेपी एक्टिव मोड में ही नजर आ रही है आज। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर हापुड़ बुलंदशहर और अलीगढ़ में भूपेंद्र चौधरी जो है बुलंदशहर में रोड जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में नजर ही आती है। इसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलंदशहर के दौरे पर हैं। लोगों के बीच जाकर जनता का समर्थन मांगेंगे, प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील करेंगे। यूपी रोडवेज की तरफ से महिला बस कंडक्टरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब रोडवेज में तैनात महिला परिचालकों को गर्भावस्था के दौरान फील्ड में काम करने की जरूरत नहीं है। परिवहन निगम की ओर से सभी जिला मुख्यालय को ये आदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला परिचालक की तैनाती बस पर नहीं की जाएगी। इसकी वजह उन्हें 9 माह तक कार्यालय में लिपकीय कार्य के लिए रखा जाएगा जिससे उन्हें इस अवस्था में परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरी सेवाकाल में महिला परिचालक इस सुविधा का 2 बार लाभ ले सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत जब भी वो गर्भावस्था से वापस आएंगी तो उन्हें फिर से परिचालक की कमान संभालनी पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, गर्भावस्था में ये फैसला लिया गया है कि उन्हें परिचालक में नहीं लगाया जाएगा। देखिए नंदनी, एक बहुत बड़ा तोहफा है महिला कंडक्टर्स के लिए। जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर के पद पर जो कार्यरत है महिलाएं, उनको गर्भावस्था के दौरान नियमित महिला कंडक्टर जो है उनको 9 महीने तक कार्यालय में उनकी तैनाती की जाएगी। उनको लिपिकीय कार्य का कार्यभार दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी समस्या आती थी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के समय, उस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बसों में चलना पड़ता था, कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ती थी। तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह एक बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए एक सौगात दिया है, जिसको लेकर के अब महिलाओं में जो महिला कंडक्टर उनमें एक खुशी की लहर छाई हुई कि अब 9 महीना गर्भावस्था के दौरान उन्हें पूरी तरीके से लिखित कार्य में रखा जाएगा, यानी वो कार्यालय से संबंध रहेंगी और अपना कार्यालय में कार्य कर सकेंगी। रोडवेज के जो प्रवक्ता है अजीत सिंह, उन्होंने ये बताया है कि नियमित जो महिला कंडक्टर हैं उनकी लिपिकीय कार्य में सुविधा मिलेगी। अप्रैल में रोडवेज निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश भी किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद अब जो है रोडवेज प्रबंधन ने इसे लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। अब ये आगे जो भी महिलाएं इस अवस्था में आएंगी उनको तत्काल प्रभाव से लिपिकीय कार्य में सम्मिलित किया जाएगा। रितेश, इस सुविधा को कब से लागू किया जाएगा? देखिए अभी जानकारी मिल रही है कि पूरे कार्यकाल के दौरान जो भी महिला कंडक्टर को यह सुविधा सिर्फ 2 बार ही मिल पाएगी। रोडवेज के करीब 20 क्षेत्रों में करीब 242 महिला कंडक्टर कार्यरत हैं। अभी जो जानकारी मिल पा रही है परिवहन विभाग की तरफ से, करीब 20 क्षेत्रों में 242 महिला कार्यरत हैं जिनको केवल यह सुविधा 2 बार मिल सकेगा गर्भावस्था के दौरान। तो अभी इसकी मंजूरी मिल गई है और अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से लागू भी करा दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश।
यूपी पुलिस मुख्यालय से जुड़े 7 सिपाहियों से ठगी का मामला सामने आया है, जहां मनचाही पोस्टिंग और तैनाती के नाम पर सिपाहियों से ठगी करने की बताया जा रहा है कि जालसाजों ने व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड के जरिए लाखों की ठगी की है। वहीं जानकारी के बाद अधिकारियों के द्वारा 9 व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया गया था। ठगों का नंबर कैसे और किसने जोड़ा इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। लॉजिस्टिक विभाग में तैनात निरीक्षक ने थाने में दर्ज शिकायत कराई है। आगरा में वोट न डाल पाने पर अधिवक्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अधिवक्ताओं ने बैठक कर ये फैसला लिया है। बता दें कि मतदाता सूची से आगरा के 9 लाख मतदाताओं का नाम गायब हुआ है। नगर निगम की सूची से 16 लाख मतदाताओं से 9 लाख मतदाता गायब हुए हैं। वहीं 48 घंटों में चुनाव की समीक्षा पर चुनाव रद्द कर नए सिरे से मतदाता सूची को सही कराकर चुनाव कराया जाएगा। ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश मौर्य हैं। ये आगरा नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी थी। आप मेरी बगल में श्री कश्मीर सिंह यादव हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आप पूर्व DGC रही हैं श्रीमती आवा रानी अग्रवाल। ये कल जो नगर निगम आगरा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें जो अव्यवस्था देखने को मिली, ये बहुत ही अभूतपूर्व था और नगर निगम के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली, जिसमें इस झुलसा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जुशान जुड़ेंगे। जुशान, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, 9 लाख मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम काट दिया गया, उनका नाम गायब हो गया है। ज्यादा मतदाता देखिए किस तरीके से 9 लाख मतदाताओं का नाम गायब है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको जो कल हमने चुनावी कवरेज की थी उसमें भी साफ तौर से देखा गया था कि तमाम जो मतदाता थे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, लेकिन उनका लिस्टों में नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो परेशान होते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोला है, जिसमें आगरा प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अधिवक्ताओं ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है और पत्र लिखा है कि चुनाव आयोग दोबारा से इस लिस्ट को जारी करें और चुनाव दोबारा से कराने की मांग की है। जी, इस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना था? देखिए, अभी उन्होंने चेतावनी दी है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी अपील करने की बात कही है। हालांकि चुनाव आयोग संज्ञान लेंगे, फिर उसके बाद स्पष्ट होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिली। हालांकि अभी उन्होंने पत्र लिखा है अधिवक्ताओं ने, और अधिवक्ताओं की काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी पीछे नहीं है। बता दें कि बुलंदशहर में गुलावटी नगर निकाय निर्दलीय प्रत्याशी शुएब को गुलावटी की जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि गुलावटी नगर में शुएब एक बेहतर छवि और ईमानदार प्रत्याशी है। वहीं शुएब ने गुलावटी की राजनीति में हलचल मचा दी है। शुएब को मिल रहे जनता के अपार समर्थन ने बसपा, भाजपा और सपा की नींद उड़ा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि शुएब विकास के मुद्दों पर अपनी ईमानदारी की छवि पर अच्छे वोटों से अपनी जीत हासिल करेंगे। गुलावटी में 2 साल गुलावटी में 2 साल से हम लोग हैं, 2 साल से फील्ड पर हैं। मैं आपको बता दूं, हमने बिजली खंभों से लेकर, बिजली के एस्टिमेट से लेकर, जहां लाइट नहीं थी वहां लाइट पहुंचाने का भी काम किया है। प्लस जितने भी हमारे आयुष्मान कार्ड हैं, कुछ लोगों के 500 के करीब हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, जो शायद जो प्रशासन था उन्होंने नहीं इस तरफ ध्यान दिया था। उसके अलावा जो इस बच्चों को मोटिवेट करने का जो यूथ है हमारा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, सभी को मोटिवेट करने का काम भी हम लोगों ने किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसबत अली चौहान है। आप सुवेद जी के समर्थक हैं, क्या लगता है सुवेद सीट निकल पाएंगे यहाँ से? देखिए, सीट का तो हमारा जो दावा है वो इंशाल्लाह ताला सीट तो हमारी दिन दूनी इजाद बढ़ रही है, लेकिन अब गुलावठी की जनता ने सर समाज में यह निर्णय ले लिया है कि बदलाव चाहते हैं। लिखा पढ़ा आदमी, सोशल वर्कर आदमी हो, लिखा पढ़ा हो,
जो नगर पालिका की जो मूल समस्या है उनका समाधान। कन्नौज में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाना रफी चुनाव मैदान में उतरे हैं। 2006 में नगर की जनता ने उन्हें चेयरमैन बनाया था। बता दें कि छिबरामऊ नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी सुभाना रफी ने काशीराम कॉलोनी में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान कई समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। सुभाना रफी को 2006 में छिबरामऊ की जनता ने समर्थन देकर जिताया था। सुभाना ने कहा, हमारे कार्यकाल में नगर में कई विकास कार्य कराए गए थे, लेकिन अब नगर की स्थिति ठीक नहीं है। जनता अगर आशीर्वाद देती है तो नगर का चौमुखी विकास कराया जाएगा। काशीराम गए, काशीराम की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसा हमने बना के नया दिया था उसके बाद से सड़कों में, मतलब सड़कें तो सड़कें नहीं, न पानी की व्यवस्था तो अलग रही, बिजली व्यवस्था अलग है। उसके अलावा आप ये समझिए वहाँ झाड़ू तक नहीं लगती नगर पालिका द्वारा। बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत मतलब दुर्दशा है, बहुत ज़्यादा देख के बहुत तकलीफ हुई कि ये हमने काशीराम लोगों को हैंड ओवर करा था, आज उसकी ये स्थिति है। कामों को याद इसलिए करते हैं कि हमने उच्च क्वालिटी का काम करके दिया और लोगों की मतलब जब डिमांड के हिसाब से हमने काम करा। जब पब्लिक हमारे पास जो डिमांड लेके आती थी हम उसको फौरन पूरा करते थे, और आगे भी अगर हमें जनता ने वहां तक पहुंचाया तो मेरा ये वादा है लोगों से कि हम पहले से ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे। और यूपी में मौसमी उलटफेर का सिलसिला 8 तक जारी रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश और तेज हवाओं से अधिकतम तापमान भी गिरावट हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 और 8 मई को बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। बता दें कि 5 मई यानी आज मथुरा वृंदावन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री तक दर्ज किया गया, ये प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं 3 मई को हुई बारिश ने कानपुर में 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मौसम विभाग की तरफ से यूपी में ओलावृष्टि और बारिश जारी रहेगी। 7 और 8 मई को बारिश और ओलावृष्टि की जानकारी दी गई है। तो बता दें कि बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। 5 मई को मथुरा वृंदावन का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री तक दर्ज किया गया था, ये प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। वहीं 3 मई को हुई बारिश ने कानपुर का 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। यहां अप्रैल 2023 से संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। महज 34 दिन के भीतर 16,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान 43 संक्रमितों की जान चली गई। बड़ी बात यह है कि ये संख्या बीते एक साल में सबसे ज्यादा है। इस बीच शुक्रवार को आई रिपोर्ट में यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 168 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान जौनपुर में एक संक्रमित की मौत हो गई, वहीं 392 मरीज रिकवर हुए हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित जनपदों में से रहे हैं। अकेले इन दो जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बाद एक बार फिर इन दोनों जिलों में कोरोना के मामले जो बेकाबू हो रहे हैं लगातार। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में 500 से ज्यादा एक्टिव केस पाए गए हैं, यूपी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं अब। विवेक जी, नंदनी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना से अगर बात की जाए तो पिछले 34 दिन में 43 मौतें हुई हैं और एक साल में ये सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। कुल 16,000 केस भी मिले हैं और संक्रमण की दर की अगर बात की जाए तो नोएडा और लखनऊ टॉप पे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 34 दिन में 16,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, इनमें 34 लोग की मौत भी हुई है और ये जो आंकड़ा है बीते एक साल में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए तो इस मामले पे कल जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, WHO के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कोविड महामारी को ग्लोबल हेल्थ इश्यूज कैटेगरी से हटा दिया गया था। अगर संक्रमण की बात करें तो लखनऊ और नोएडा दोनों ही रिहायशी इलाके हैं, तो बस की राजधानी है और यहाँ पे संक्रमण की दर ज्यादा है। दोनों जगहों पर अगर बात करें तो अभी भी 500 से ज्यादा एक्टिव केस जो है वो पाए गए हैं, यानी 500 से ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पे जो है वो पाए गए हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो अब पिछले समय से अगर देखा जाए तो
जो संक्रमण मिल रहा है कोविड का वो धीरे धीरे खट्टा चला जा रहा है। अगर पिछले 10 दिन की बात करें तो अब तक लखनऊ में सबसे कम संक्रमण देखा गया है। कोरोना का मरीज जो है उनमें कमी आ रही है और संक्रमण की दर में भी कमी आ रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 73 जिले कोरोना से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, न तो स्वास्थ्य विभाग को न ही जनता को। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। पीएम मोदी की माँ हीराबेन और पिता दामोदर दास का वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान किया गया। गंगा तट पर पीएम के छोटे भाई पंकज मोदी ने विधि विधान से पिंडदान का अनुष्ठान पूर्ण किया। पिंडदान के बाद पीएम के भाई और रिश्तेदार गंगा आरती में शामिल हुए, माँ गंगा की पूजा करके माता पिता की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की माँ हीराबेन का बीते साल 30 दिसंबर को देहांत हो गया था। हीराबेन ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। माँ के निधन के बाद पुरोहितों के अनुसार प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी काशी पहुंचे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।